तो भाई आपको बता दें कि दिल्ली के कुछ स्कूलों को बम से उड़ाने की जो सूचना आई उसके बाद हरियाणा के अंदर भी आपको बता दें कि इसको लेकर के अलर्टनेस बढ़ा दी गई है और जब शिक्षा विभाग इसको लेकर के बेहद सख्त है, इसको लेकर के स्कूलों को निर्देशित किया गया है। तो धमकी के बाद ये अलर्ट मोड पर है शिक्षा मुख्यालय, जिसने पत्र जारी किया है। सोनीपत में शिक्षा विभाग अब पूरी तरह से अलर्ट है। जिला शिक्षा अधिकारी ने दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को ये निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल दिल्ली एनसीआर में बम धमाकों से स्कूलों को उड़ाने की धमकी के बाद हरियाणा में शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसको लेकर के मुख्यालय की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारी और मौलिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि स्कूल के परिसर आसपास कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर नजर आती है तो तत्काल इसकी सूचना डायल 112 पर दें। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जिला शिक्षा विभाग इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। की सूचना के बाद अब हरियाणा भर में शिक्षा विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। ऐसे में सभी जिला मुख्यालयों को भी एक पत्र जारी किया गया है और जारी करते हुए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अनुपालना की जाए। और ऐसे में जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोनीपत के जिला शिक्षा अधिकारी नवीन गुलिया जी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। किस प्रकार का नोटिफिकेशन है, क्या कुछ उसमें लिखा गया? सर, पत्र जारी हुआ है, क्या कुछ नोटिफिकेशन जारी हुआ, किस प्रकार के निर्देश जारी हुए? देखिए, जिस तरह से कल मीडिया में खबर आई थी उसके अकॉर्डिंग निदेशालय स्तर पर निर्देश जारी किए गए हैं और हमने सभी विद्यालय मुखिया को इसके बारे में सूचित किया है और जो डायरेक्शंस आई हैं उसको ग्राउंड लेवल पे प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। उसके अंदर सभी विद्यार्थियों को बाकायदा अवेयर करना है कि अगर उनके आसपास कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु दिखाई देती है तो उसकी सूचना इमीडिएटली वो स्कूल अथॉरिटी को और अथॉरिटी उसकी सूचना पुलिस को दें। और जो विद्यालयों के अंदर जो बसेज हैं उसके ड्राइवर के को भी कहा गया है कि वो जब बच्चे बस के अंदर बैठते हैं उससे पहले बस को अच्छी तरह से जांच ले कि कोई संदिग्ध वस्तु उसके अंदर नजर तो नहीं आई। बच्चे भी जो है कि वो बसेज के अंदर जाएंगे तो उन बच्चों को स्कूल कैंपस के अंदर ही उतारना है और स्कूल कैंपस से जब उसको घर जाना होगा तो स्कूल कैंपस से बच्चे को बैठाना है। पूरा प्रयास है कि हम लोगों को अच्छी तरह बच्चों को अवेयर करें जिस तरह कोई भी ऐसी घटना ना हो। सर, प्राइवेट स्कूलों को भी निर्देश जारी है? बिल्कुल श्योर, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट जितने भी हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं हमने सभी को ही ये डायरेक्शन जारी की है और जो हमने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स के माध्यम से जो हमारे पास रिपोर्ट है तो स्कूल्स वालों ने बच्चों को अच्छी तरह अवेयर भी किया है और प्रयास ये है कि बच्चे अनावश्यक अफवाहों पर ध्यान ना दें और जो अपने आसपास बिल्कुल पूरे प्रॉपर केयर के साथ वो इस अपना काम करें। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नवीन गुलिया जी और नवीन गुलिया जी का साफ तौर पर ये जरूर कहना है कि जिस प्रकार से लेटर जारी हुआ है और इस प्रकार से पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है और सभी स्कूल संचालकों को भी इस प्रकार के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और साथ में ही अनावश्यक अफवाहों से बचने के लिए भी कहा गया है। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में इस प्रकार का अलर्ट जारी है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से जो पत्र जारी हुआ है तो सोनीपत में स्कूल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह वाला।